तुम सोग में सरवर के हो, हक है तुम्हारा सरवरी तुम में हो। हम रजब में हैं। रजब रूह के लिए इंतहाई अहम महीना है। इसी से जो रूहानी सफर का आगाज होता है और उसका मेराज शबाए कदर है, उस शबाए कदर में पूरी एक जिंदगी मिलती है, पूरी जिंदगी मिलती है। वो पूरी जिंदगी के हुसूल के लिए कुछ तैयारी करनी होगी। ऐसे ही जाके शबाए कदर में तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वो तैयारी शुरू कहां से होती है? रजब से शुरू होती है। और इसमें जो मोमिन नहीं है उनको इससे दूर रखने के लिए इसमें इतने मीलाद रख दिए गए हैं कि रजब मनाने वाले सिर्फ मोमिनीन हो। रजब में करना क्या चाहिए? रजब में सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर आप किसी बादशाह के दरबार में जा रहे हों और आपका बदन कसीफ हो, आपके कपड़े गंदे हों, सबसे पहले आप गुस्ल करेंगे, सबसे पहले आप नजाफत करेंगे, उसके बाद आप उनके पास जाएंगे। तो हमने गुज़श्ता शवाल से लेकर अभी तक जो भी गुनाह हमसे हो गए हैं, एक दफ़ा उससे अपने आप को पाक कर लें, और पाक करने के लिए एक इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, जो 100 मरतबा ये जिक्र करे, इस्तिग़फ़ार करे माह रजब में, और सदका दे, उसके लिए मग़फ़िरत लिख दी जाती है। और जो 400 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे और सदका दे, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। हमें दुआएं, इतनी दुआएं भी मिली हैं, इंशाल्लाह आज एक दुआ जो आप हर रोज पढ़ते हैं उसको मुख्तसर पेश करूंगा और आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। हमें इस रजब में एक इस्तिग़फ़ार है, उमरा कर सकते हैं उमरा कीजिए, नमाजें हैं नमाजें पढ़िए। हमें तीन चीज़ों को जमा करना है, शरफ़ ज़मान, शरफ़ मकान, शरफ़ अमल। बेहतरीन ज़मान, बेहतरीन मकान, बेहतरीन अमल, इन तीन को अगर आपने जमा कर लिया, आपने रजब को दर्क कर लिया। आपने अगर रजब दर्क किया तो शाबान आपको मिल गया। अगर आप शाबान वाले हो गए तो फिर आप रमज़ान में उन लोगों में से होंगे जो एक उम्र को हासिल करेंगे, एक जिंदगी को हासिल करेंगे। अच्छा, ये शरफ़ अमल, शरफ़ ज़मान, शरफ़ मकान क्या है? ज़मान, बेहतरीन ज़मान रजब का ज़माना है। इसमें भी फिर मज़ीद डिटेल है। पहली रात की अपनी खसूसियत है, नीमे रजब 15 रजब की अपनी खसूसियत है, और अय्याम 20 की अपनी खसूसियत है, लैलतुल रगाइब की अपनी खसूसियत है। मोमिन को पता होना चाहिए कि इन दिनों में कौन सा दिन आ रहा है, कौन सा दिन जा रहा है। कम अज कम पता तो हो, अगर पता होगा तो फिर उसका इस्तकबाल भी करेगा, उन अमाल को भी अंजाम देगा। अमाल आजकल आसान है, आपको मिल जाते हैं, लेकिन शुऊर, आगाही, अवेयरनेस जरूरी है कि मैं मालूम रखूं कि कौन सा दिन आ रहा है, कब आ रहा है, उसके आमाल क्या हैं। शरफ़ ज़मान को मैंने हासिल किया, अब शरफ़ मकान को भी हासिल अगर कर सकूं तो बहुत अच्छा है। शरफ़ मकान क्या है? मैं अपने घर से निकलूं नमाज के लिए मस्जिद में आ जाऊं। मैंने शरफ़ ज़मान को शरफ़ मकान के साथ जमा कर लिया। अगर जा सकता हूं तो रजब में उमरा करने के लिए मैं मक्का चला जाऊं, तो वो शरीफ तरीन मकान है। शरफ़ मकान भी हो गया, शरफ़ ज़मान भी हो गया। रजब में अगर हम अपनी सारी नमाजों को मस्जिद में पढ़ सकें, क्या फर्क है? मस्जिद में नमाज पढ़ें तो भी यही नमाज है, घर में पढ़ें तो भी यही नमाज है, क्या फर्क है? घर की नमाज और मस्जिद की नमाज में उतना ही फर्क है कि घर आपका घर है, ये खुदा का घर है। जितना आप में और खुदा में फर्क है, उतना आपके घर की नमाज और मस्जिद की नमाज में फर्क। शरफ ज़मान, शरफ अमल, अमल भी फिर मारिफत के साथ होना चाहिए। अमल भी ऐसा न हो कि इंसान को अमल का इल्म न हो, नमाज की मारिफत न हो, अल्लाह की मारिफत न हो, उसको भी हम हासिल करने की कोशिश करें। अगर इस साल हो सके, इस साल नहीं तो अगले सालों में, अगर आप उम्र रजबिया अंजाम दे सकें तो उम्र रजबिया अंजाम दें। शरफ़ ज़मान, शरफ़ मकान
और फिर जो तवाफ कर रहे हैं तवाफ करते हुए दुआए जोशने कबीर पढ़ें, दुआए जोशने कबीर। और कोई क्या जाने ये दुआ क्या है, मुमकिन ही नहीं है इतना बेहतरीन अमल कोई अंजाम दे सके। उस वक्त जो तौहीद दुआए जोशन में है उसका इदराक भी मुमकिन नहीं है। उस तमाम तौहीद को, तमाम सिफात को, अल्लाह के तमाम अस्मा को एक जगह जमा करके इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अगर आप दुआए जोशन की, मैं कह रहा था ना रजब में आप अगर जाएं लगता है मशहद है रजब में तवाफ करने वाले अक्सर जाइरीन, अक्सर जो उम्रा करने वाले हैं वो दुआए जोशन की तिलावत कर रहे होते हैं। अगर हम इन तीन चीजों को जमा कर सके। साहिब